चक्रवाती तूफान हाइशेन दक्षिण जापान में तबाही मचाने के बाद दक्षिण कोरिया की ओर बढ़ा। तूफान थमने के बाद 20 लोग घायल, दक्षिण जापान में यातायात ठप। भारत चीन सीमा विवाद को लेकर रविशंकर प्रसाद ने कहा, भारत अपनी संप्रभुता के साथ कोई समझौता नहीं करेगा। कंगना रनौत को सुरक्षा देगी हिमाचल प्रदेश सरकार, अभिनेत्री के पिता ने की थी मांग। बिहार चुनाव में जदयू से रिश्ते को लेकर लोजपा की बैठक से पहले चिराग ने साधा नीतीश पर निशाना। सुशांत मामले में एनसीबी की रिया से 6 घंटे पूछताछ, ड्रग्स लेने की बात कबूली। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा, चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण 2021 की शुरुआत में, अभियान में ऑर्बिटर नहीं होगा शामिल। डोनाल्ड ट्रंप के समर्थन में निकाली जा रही जल परेड के दौरान 5 नौकाएं डूबी, घटना में कोई हानि नहीं। हांगकांग की विधायिका चुनाव में देरी को लेकर प्रदर्शन, पुलिस ने 290 लोगों को किया गिरफ्तार। ब्रिटेन में कोरोना वायरस संक्रमण के 2988 नए मामले सामने, अब तक 41,551 लोगों की मौत। महाराष्ट्र के पालघर जिले में सोमवार सुबह 3.5 तीव्रता का भूकंप, संपत्ति का नहीं हुआ कोई नुकसान। कोरोना का कहर, चेक गणराज्य ने चुनी पूरी फुटबॉल की नई टीम। नोवाक जोकोविच अपने चौथे दौर के मैच में लाइन जज पर गेंद मारने के कारण यूएस ओपन से बाहर। आईपीएल 2020 चेन्नई सुपर किंग्स के बाद दिल्ली कैपिटल के खेमे में पहुंचा कोरोना। बीसीसीआई ने किया आईपीएल का शेड्यूल जारी, 19 सितंबर को मुंबई और चेन्नई के बीच होगा पहला मुकाबला। बॉलीवुड एक्टर अर्जुन कपूर कोरोना पॉजिटिव पाए गए। टेलीविजन कलाकार संयुक्ता हेगड़े ने कहा, दिन के उजाले में मेरे साथ दुर्व्यवहार और मारपीट की गई। छिछोरे को 1 साल पूरा, साथी कलाकारों ने सुशांत सिंह को दी श्रद्धांजलि। सेंसेक्स शुरुआती कारोबार में 101.60 अंक टूटा, निफ्टी में भी हुई गिरावट। सरकार की देश के 69,000 पेट्रोल पंपों पर ईवी चार्जिंग कियोस्क लगाने की योजना, बिजली चलित वाहनों को मिलेगा प्रोत्साहन। जेईई एडवांस परीक्षा 27 सितंबर को, बार कोड स्कैनर से होगी एडमिट कार्ड की जांच। द्रमुक अध्यक्ष एम के स्टालिन ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर राज्यपालों के सम्मेलन का किया विरोध।